नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में बता ही चुकी हूँ कि अब आपको जो भी वीडियोस मिलेगी दिवाली से रिलेटेड ही मिलेगी। तो आज मैं आपके लिए दिवाली के लिए वास्तु टिप्स लेकर आई हूँ। और एक टिप्स तो ऐसा है कि वो आपको जब मैं बताऊँगी तो आपको पता चलेगा कि वो कितना लाभदायक है, क्योंकि इस बारे में मुझसे लोग पहले भी काफ़ी बार पूछ चुके हैं कि मैम, हम अपने मंदिर में क्या कलश स्थापना हमेशा कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि इन 5 दिनों में वास्तु के टिप्स अगर आप अपनाएंगे तो आप पॉजिटिव भी रहेंगे। क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में आपको यही बोलती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहने से आपकी जो सारी मुश्किलें हैं, सारी समस्याएं हैं, वो अपने आप हल हो जाती हैं। क्योंकि हम जैसी एनर्जी प्रकृति में डालेंगे वही भी रिवर्स हमें लौट कर आएगी। तो क्यों ना हम पॉजिटिव रहें। हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव होगा, और अगर हम कोई चीज़ अच्छी करेंगे तो हम यही सोचेंगे कि हमारे साथ अच्छा होगा ही होगा। तो चलिए, जो पहला वास्तु टिप्स मैं आपको बताती हूँ, सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके लिए हमें चाहिए एक या तो कोई इस तरीके का मिट्टी का बर्तन हो, या कांच की ट्रे आती है, कलरफुल आती हैं, वो थोड़ी गहरी होती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इतनी बड़ी लेनी है, आप छोटी लें जो आपके घर में साइज़ हो, नहीं तो आप उसको खरीद कर भी लेकर आ सकते हैं। तो इसमें हमें भरना होगा पानी। तो ये जो क्रिस्टल स्टोन है ये मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं, आप ला सकते हैं इन्हें। तो इन्हें हम पानी में रखेंगे, फिर इसके अंदर डालेंगे कुछ खुले पैसे, और जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं ये भी इस पर डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर जलाएंगे फ्लोटिंग दिया, आप 1, 2, 3 जितने भी इसके अंदर डालकर जला सकते हैं। फिर आपको इसको कहाँ रखना है, इसको आपको धनतेरस से लेकर भैया दूज तक, क्योंकि ये 5 दिन का त्यौहार होता है, आप इसे अग्नि कोण में रखेंगे। अग्नि कोण होता है साउथ ईस्ट का जो कोना होता है उसे अग्नि कोण बोलते हैं, आप उसमें रखेंगे। अगर आप उसमें नहीं रख सकते या आपके जगह नहीं है तो आपके जो ड्राइंग रूम है उसकी जो सेंटर टेबल होगी आप उसके पास रखें ये। और इसको आपको शाम होते ही जला देना है, और इसको 5 दिन लगातार आपको जलाना है। और अगर आप इसको हमेशा के लिए भी जला कर रखते हैं तो भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये वास्तु के जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं अगर हम ये अपने घर में अपनाते हैं तो हम अपने घर में काफ़ी चीज़ों की जो सॉल्यूशन है हम खुद ही अपने घर में कर सकते हैं। अगर आप इसे डेली अपने घर के अग्नि कोण में भी जलाते हैं तो उसके तो कहना ही क्या, मतलब कि बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट सामने आते हैं। और इन दियों को हमें जलाना है जो फ्लोटिंग दिए हैं। और आपको क्या करना है कि इसके अंदर जो ये गुलाब की पंखुड़ियां हैं रोज़ आपको चेंज करनी है। इसके अंदर जो पैसे रखे हैं और जो क्रिस्टल स्टोन है वो एज इट रखा रहने दें, आपको सिर्फ इसके अंदर जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं वो मुरझा जाती हैं, आपको वो चेंज करनी होगी। और जो उसका पानी भी है अगर आपको वो चेंज करना है, कुछ गंदा लग रहा है तो उस पानी को आप थोड़ा सा अपने घर के गमलों में डालेंगे, और बाकी पानी आप अपने घर के हर कोने में छिड़केंगे। और जब आप इसे जलाएंगे तो आप माँ लक्ष्मी का ध्यान करके ही जलाएंगे। तो ये मैंने आपको दिवाली के लिए स्पेशल 5 दिनों के लिए वास्तु टिप्स बताया कि आपको ये फ्लोटिंग दिए, गुलाब की पंखुड़ियाँ किसी पॉट में डालकर, या आप इसे किसी क्रिस्टल की ट्रे ले सकते हैं, क्योंकि दिवाली के दिनों में बहुत ज़्यादा मिलती हैं आपको। और ये मिट्टी का मिल जाता है, क्योंकि जो कुम्हार होते हैं वो लेकर थोड़ी थोड़ी दूरी पर मार्केट में बैठे होते हैं, ये मिल जाएगा आपको। तो आप ये लाएं, अपने घर में जलाएं, इसे आप अपने घर के अग्नि कोण में जलाएं, यानी कि ईस्ट साउथ कोण में जलाएं। इसे आप वहाँ कोई जगह नहीं बन रही तो आप इसे अपने घर के ड्राइंग रूम में टेबल पर जलाएं, या इसे आप अपने घर के मंदिर के सामने एक टेबल रखकर वहाँ भी जला सकते हैं, या इसे आप अपने घर के मेन गेट के बिल्कुल सामने टेबल लगाकर वहाँ भी जला सकते हैं।
क्योंकि हमारा मेन काम है कि हमारे घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करना और हमें खुद को और घर में सभी मेंबर को पॉजिटिव रहना, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है। तो फिर जो दूसरा टिप्स है वो मैं लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए जो बार बार यही पूछ रहे थे कि मैम परमानेंट मतलब कि हमेशा के लिए हम कलश स्थापना मंदिर में कैसे करें, तो उसके लिए भी ये वास्तु टिप्स ही है। तो उसके लिए आपको किसी बड़े त्यौहार पर ही शुरू करना चाहिए, जैसे नवरात्रे हो गए, दिवाली है, दशहरा है या और कोई बीच में बड़ा त्यौहार आता है, उस दौरान आप ये जो इसे एक तरह से टोटका ही कहा जाता है तो आप ये अपना सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए दो कलश, एक कलश में आपको जो नीचे का कलश होगा उसमें आपको गंगा जल भर के रखना है या गंगा जल और पानी दोनों को मिक्स करके रखेंगे, और जो दूसरा कलश होगा वो उसके ऊपर रखेंगे। जैसे इसमें हमने गंगा जल और पानी भरा है तो इसके ऊपर ये कलश रखेंगे और इस कलश को हमें चावलों से भरना होगा। चावलों से भरने के बाद जो ये नारियल होगा हमें ऐसे रखना है, जो नारियल का मुख होगा ये मुख होगा साधक की तरफ, यानी कि अगर मैं पूजा कर रही हूँ तो इसका मुख जो है वो मेरी तरफ होगा। लेकिन ध्यान रहे कलश आपको वो ही लेने हैं कि जो एक दूसरे के ऊपर अच्छे से सेट हो जाए, और एक में गंगा जल पानी भरेंगे, ऊपर वाले में भरेंगे चावल और उसके ऊपर हम रखेंगे नारियल। और हमें स्वास्तिक बनाना है, मोली लगानी है, और जो कलश रखेंगे उसके नीचे हमें थोड़े से चावल उसके नीचे भी रखने होंगे। कहते हैं कि अगर आप अपने मंदिर में ये कलश स्थापना करते हैं तो आपके घर में किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं आती, धन संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और जो धन है उसका आगमन होना शुरू हो जाता है। और भी घर में इस कलश को स्थापना करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और आपको स्थापना करनी है धनतेरस के दिन करेंगे, अगर धनतेरस के दिन नहीं कर सकते तो आप इसे दिवाली के दिन शाम को या रात को जब हम पूजा करते हैं मुहूर्त के टाइम, उस टाइम पे आपको इसको कलश स्थापना करनी है, फिर आपको इसे अपने मंदिर में रखे रहने देना है। तो आपको ये जैसे पूर्णमासी आती है, महीने में पूर्णमासी एक आती ही आती है, तो पूर्णमासी को बदल सकते हैं, या जो शुक्ल पक्ष की शुक्रवार आता है वैभव लक्ष्मी का जिस दिन व्रत होता है आप उस दिन बदल सकते हैं। इस पानी को आप अपने घर में छिड़क देंगे, या इस पानी को ज़्यादा पानी है घर में नहीं छिड़का जा रहा तो इस पानी को आप अपने घर के पौधों में डालें, थोड़ा थोड़ा अपने घर में छिड़क दें, और जो ये चावल होंगे इन्हें आप अलग रखें, इन्हें आप घर में यूज़ कर सकते हैं, बनाकर खा सकते हैं, इसका प्रसाद बाँट सकते हैं। फिर आप दोबारा से इसके अंदर नया से चावल भरेंगे और इसके अंदर जो आप गंगा जल और पानी भरेंगे आपको ये ऐसे करते रहना है, तो आप देखेंगे कि आपको इससे बहुत फायदा हुआ है। तो आपके घर में जो भी समस्या धन संबंधी समस्या होगी वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा टोटका कह सकते हैं, छोटा सा उपाय भी कह सकते हैं, तो आपको ये दिवाली के दिन करना है या आप धनतेरस के दिन भी कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको इसके बहुत ही फायदे होंगे। तो ये मैंने आपको दिवाली के इन 5 दिनों के दो जो त्योहारों पे हमें करना चाहिए, क्योंकि त्योहारों पे हमें अपने घर में पॉजिटिव वाइब्स लाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ भगवान होते हैं शालिग्राम होते हैं वहाँ नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती, लेकिन आपने भी देखा होगा कि जब हम कई बार पूजा करने बैठते हैं तो हमारा पूजा में मन नहीं लगता, जबकि डेली हम पूजा करते हैं घर में, हमारा मन नहीं लगता। पूजा करते वक्त हमारे को उबासी आने लग जाती है और दिल करता है कि छोड़ो आज क्या पूजा करनी, जल्दी से जैसे फॉर्मेलिटी के लिए हमने दिया जलाया, आरती करी और अपना काम पूर्ण कर दिया। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने बड़े मन से पूजा करते हैं कि पूजा में ध्यान लगा ही रहता है, तो इस पर भी मैं एक वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी। तो नेगेटिविटी तो घर में आती ही आती है, कहीं से भी आए, किसी के साथ भी आ जाती है कई बार, ज़रूरी नहीं है कि घर से ही उत्पन्न होती है, घर से भी नहीं आती, कई बार हवाओं से भी आ जाती है और कई बार कोई घर में ऐसा आ जाता है कि उससे भी आ जाती है, कई बार हम खुद ही अपने घर में कहीं से आए हैं तो नेगेटिविटी हमारे साथ भी आ जाती है, क्योंकि नेगेटिविटी जो आती है वो हमारी सोच से आती है। इसीलिए मैं आपको अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आपको अपने घर में पॉजिटिव वाइब्स चाहिए, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, तो सबसे पहले आपको खुद को पॉजिटिव रहना होगा, क्योंकि
पॉजिटिव आप ठीक है नहीं रह पाते तो, लेकिन जो हम ये छोटी छोटी चीज़ें ये छोटे छोटे टोटके करेंगे तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन होती है कि नहीं हमारे घर में नेगेटिव वाइब्स नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव है। तो वो एकदम से जो हमारे माइंड है वो एकदम से चेंज हो जाता है कि हम पॉजिटिव हैं। तो हमें मेन ये है कि हमें एक पॉजिटिविटी चाहिए होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप अपने सुझाव हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जाकर देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।